पोल एंड फ्लैग, क्योंकि एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मार्केट एक स्ट्रेट रैली के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है, जिसके कारण एक रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट होती है और बॉटम की तरफ से एक सपोर्ट लाइन क्रिएट होता है। तो जो ये अप ट्रेंड होता है, इसी को हम पोल बोलते हैं और कंसोलिडेशन फेज को हम फ्लैग बोलते हैं। तो इस तरह से पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन होता है। पोल एंड फ्लैग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि लगाना चाहिए ये देखने के लिए फ्लैग कहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। इसके लिए मार्केट के लो और हाई से कनेक्ट करते हुए हमें फिबोनाची टूल लगाना चाहिए, और अगर मार्केट 0.5 के लेवल पे आके सपोर्ट लेता है, इसको बोलते हैं हेल्दी रिट्रेसमेंट। ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाता है, और अगर मार्केट में रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे बाइंग का सोचना चाहिए, जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा। एसएल इस कैंडल के जस्ट बिलो हमें अपना एसएल रखना चाहिए। तो इस तरह से पोल एंड फ्लैग का ट्रेड किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को